थाना क्षेत्र में बाइक में आग लगने से अभनपुर थाना क्षेत्र में पदस्थ आरक्षक कुलदीप तिर्की बुरी तरह झुलस गए थे, जिन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। कवर्धा जिले की पुलिस ने शहर में स्थित शिव ऑटो पार्ट्स की दुकान के गार्ड को बंधक बनाकर शटर तोड़कर 35 लाख रुपए कीमत का टायर सहित अन्य सामानों की चोरी करने वाले आरोपी रशीद गुलहसन को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। सभी टायर ऑयल ग्रीस बरामद कर लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि गृह मंत्री तामदास साहू से उनके व्यक्तिगत बेहतर और स्नेहिल संबंध है। यह तय है कि वरिष्ठम व अनुभवी मंत्री तथा साहू समाज सहित अन्य समाजों के बीच बेहद लोकप्रिय तामदास साहू यदि चुनाव नहीं लड़ते हैं तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में हुई मारपीट में गर्भवती महिला का गर्भ गिर जाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दूध के पैसे देने को लेकर हुए विवाद में दूध वाले ने अपने लोगों को लाकर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की थी। 3 आरोपियों ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गर्भवती महिला को भी डंडे से पिटाई कर दी थी, जिससे उसका 5 महीने का गर्भ गिर गया था। छत्तीसगढ़ किसान सभा व भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के बैनर तले एसईसीएल कुसमुंडा जीएम ऑफिस के सामने 427 दिनों से धरना दे रहे भू विस्थापितों ने रविवार को रोजगार के लंबित पुराने प्रकरणों के निराकरण हो रही देरी के विरोध में अपना मुंडन कराकर विरोध जताया। रायगढ़ जिले के कोतरा रोड थाना क्षेत्र स्थित ग्राम हाईवे पर स्थित ग्राम चिराई पानी के ग्रैंड व्यू रेस्टोरेंट में पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने और पिलाने वालों पर कार्रवाई की है। नए साल के पहले दिन पुलिस की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही थी। इसी बीच पुलिस को पता चला कि एक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने वहां रेड मारी और संचालक को गिरफ्तार किया है। बीजापुर जिले में पेटी ठेकेदार समेत 4 लोग पिछले 9 दिन से लापता हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी नक्सली इलाकों में सड़क निर्माण काम के संबंध में गए हुए थे। वहीं 24 दिसंबर से इनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। माओवादी कैडर्स इनका अपहरण कर लिए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इस मामले की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मनई मेला के दौरान रास्ता नहीं देने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद गांव के युवक ने बीएसएनएल टावर के पास खड़ी 2 कार में आग लगाने वाले फरार आरोपी भूपेंद्र सिंह को पुलिस ने 3 दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला पतोरा चौकी क्षेत्र के ग्राम खैजा का है। जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण थाना क्षेत्र के देवरी गांव में स्थित फ्लाई एस ब्रिक्स फैक्ट्री में अज्ञात शख्स का कंकाल मिला है। यह फ्लाई एस ब्रिक्स फैक्ट्री 10 सालों से बंद है। गेट खोलकर चौकीदार किसी काम के लिए अंदर गया था, जहां उसने कंकाल देखा, जिसके बाद पुलिस को उसकी सूचना दी गई। बिलासपुर में नए साल के पहले ही दिन तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। युवक रविवार को अपने मामा के घर से लौट रहा था, तभी रास्ते में यह हादसे का शिकार हो गया। घटना सकरी थाना क्षेत्र की है। मामा के घर जा रहे पीडब्ल्यूडी के चपरासी की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना उसलापुर में नेचर सिटी के पास हुई। कस्तूरबा नगर निवासी शंकरलाल सारथी पिता बाबूलाल सारथी 40 वर्ष इस हादसे का शिकार हुआ है। उसका कस्तूरबा नगर में तुलजा किराना दुकान के सामने मकान है। वो पीडब्ल्यूडी में प्यून है और वर्तमान में मुंगेली में पदस्थ है। बिलासपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले सरपंच को बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल सरपंच ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए 2.5 एकड़ जमीन को घेर कर खेत बना लिया और उसमें धान उगा लिया। मामले की जांच के बाद एसडीएम ने पंचायत राज अधिनियम के तहत दोषी सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की है। मामला ग्राम पंचायत पेंडी का है। भिलाई में एक युवक गैस सिलेंडर ब्लास्ट करने पावर हाउस के सुपर मार्केट उड़ाने पहुंच गया था। उसने सिलेंडर में इलेक्ट्रिक तार भी लगाया हुआ था। इससे पहले कि वो सिलेंडर को ब्लास्ट करता, सलाफा व्यापारी ने उसे देख लिया और उसके शोर मचाने पर पूरे मार्केट में अफरा तफरी फैल गई। लोगों ने युवक को धर दबोचा और छावनी पुलिस के हवाले कर दिया।
जुलाई में एक बड़ी अनहोनी टल गई। एक बेकाबू ट्रक तेज रफ्तार से आया और खुर्सी पार मार्केट एरिया में घुस गया। ट्रक को अपनी ओर आता देख लोग इधर उधर भागे। ट्रक रास्ते में खड़ी आधा दर्जन बाइक को रौंदता हुआ आगे निकला और सकरी बेमेतरा जिले के देवरबुजा सिरसा सड़क किनारे स्थित एक पान ठेले में अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी है, जिससे पान ठेला जलकर खाक हो गया। रात 10 बजे जानकारी मिलने पर पान ठेला संचालक सिरसा निवासी गजन टंडन पहुंचा, तब तक पान ठेला जल गया था। जसपुर के बैगा बहार के उप स्वास्थ्य केंद्र के पास एक जनवरी को शाम सड़क किनारे खड़े होकर अपने दोस्तों से बात कर रहे युवक आरवे तिग्गा को एक ही मोटरसाइकिल में सवार तीन लोगों ने पीछे से सीधी टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर उसकी असामयिक मौत हो गई। वहीं बाइक चालक समीर को भी गंभीर चोटें आई हैं।